मनाली। टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो। जैसे रणविजय ने बोला वो, मैं तो कूद पड़ी पानी में। आफ्टर दैट आई फॉरगॉट एवरीथिंग। आई ओनली थॉट दैट कि मेरे को उस एंड तक पहुंचना है एट एनी कॉस्ट। आई जस्ट कांट मूव। बीच में वो थोड़ा थक गई थी, बीच में उसका जो पांव से जो पट्टी बांधी गई थी, जो टेप बांधा गया था, वो उतर भी गया था। कुछ देर जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज़ आई वाज स्विमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट देन आल्सो आई केप्ट ऑन स्विमिंग। और जब मैं पहुंची एंड तक, तो मेरे को डिम्पी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि आई वाज टोटली एग्जॉस्टेड, माय लेग्स वर टायर्ड। कम ऑन मनाली, यू कैन डू इट। उनको एक क्लैप करना था, जिसके बाद डिम्पी ने जंप करके उस चीज को पूरा करना था। गो क्लोजर, गो क्लोजर। 5 से 6 सेकंड मनाली ने उसी चीज में ले लिए। आई थिंक वहाँ पर काफी प्रेशियस टाइम वेस्ट हो गया था, जो शायद डिम्पी यूज कर सकती थी टास्क जल्दी खत्म करने के लिए। चल डिम्पी। इन द मोमेंट आई जंप इन वाटर, सारा पानी आँख में, मुंह में, मतलब ग्लासेस होने के बाद भी अंदर पानी चला गया था। पता नहीं क्या भूत सवार हुआ मैडम के अंदर। एथलीट हो यहाँ पर, अच्छा वाला कर रही है, सीधी चल रही है, बट सडनली उस बैक वो स्विम करना स्टार्ट कर दिया। उल्लू की पट्टी सीधा तो तैर नहीं पा रही, उल्टा तैरने की कोशिश कर रही थी। फिर बीच में ऐसा टाइम वो स्विम कर रही है और एक ही जगह पे हाथ जरा जरा से हाथ पर मार रही थी, लेकिन जगह उसकी चेंज ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल पानी के बीच में रह जा रही थी। बहुत बढ़िया। आधे लैप तक पहुंचकर उसकी भी हवा निकल गई और ऐसे तैसे करके बहुत मुश्किल से वो एंड तक पहुंची। बहुत अच्छा लग रहा है, सो ऑसम फीलिंग, सुपर्ब, आई जस्ट लव्ड इट। दीपा, how do you like the girls' performances? Very nice. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज उन्होंने पानी में जाकर 2 कदम मेरी जिंदगी में लिए। तरन, 2 मिनट 25 सेकंड आपको लगे एक लेंथ करने में, which leaves your partner with how many seconds? 1 minute 35 seconds. मानी, जब आप कर रही थी तो बीच में आपका जो स्ट्रैप था वो उतर गया, वहाँ पे भरपाई करनी पड़ी आपको, बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपने लिए 1 minute 37 seconds। टुगेदर आपका टाइम था 4 minute 2 seconds। आई थिंक यू गाइस डिड अ गुड जॉब, वेल डन। लेकिन अभी भी भरपाई करनी बाकी है, क्योंकि सिर्फ आपका एक ही स्ट्रैप उतरा था, आपकी टीम मेंबर खुशबू, आपको एक शॉट लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं थी, आई वाज इवन प्रिपेयर्ड फॉर 2, 3, 4, व्हाटएवर इट वाज, आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड। सेकंड टीम मनाली, जब आपने इनको हाई फाई दिया, यू टुक ओनली 1 minute 51 seconds, फिर भी यू हैड गिवन हर इनफ टाइम 2 minutes 9 seconds टू कंप्लीट। आपने किया 2 minutes 23 seconds में, जिसका मतलब है कि आपका पूरा टाइम 4 minutes 14 seconds है। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम लोग 4 मिनट के करीब भी होंगे, और ऊपर से आपका जो स्ट्रैप था वो भी उतरा था। जो स्ट्रैप्स उतरे हैं उनकी भी एक एक भरपाई होगी, और आपका टाइम आगे गया उसकी एक भरपाई, विच मीन्स प्रतिमा 3। ऑलराइट, मैं आपको दिखा देता हूं व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। मैं सोचती थी कि मतलब कैसे कोई गौमूत्र पिएगा, बहुत गंदा स्मेल आ रहा था, बहुत गंदा, लाइक देख के तो आई वाज फीलिंग सो प्यूकिश।
खुशबू स्टेप अप। आप एक शॉट लेंगे रोडीज के अकाउंट में 60,000 रुपए आ जाएंगे। पहले पहले तो कुछ टेस्ट ही नहीं था, बहुत ब्लैंड टेस्ट था। या एक पॉइंट जब थ्रोट के पास पहुंचा तो एकदम ऐसे तबेले जैसी स्मेल आने लगी डायरेक्ट ऐसे नाक में। क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? बहुत जलन हो रही है, बहुत ज्यादा। हाँ। उसको बस जैसे ही अंदर गए एकदम ऐसे। वेल डन, गो बैक। प्रतिमा डागर, कम ऑन। डागर, दूध पी ले जाके। इवन में इतना गुस्सा था, एक आग थी कि हाँ मेरे को करना है, मेरे को नहीं, मेरे को बैक स्टेप नहीं लेना, मेरे को करके ही छोड़ना है। पहले पिया है कभी? नहीं सर, कभी नहीं पिया। प्रोफेशनल टाइप फीलिंग आ गई। कम ऑन यार, चल जानी। यू कैन डू इट। इतना था कि जब मैंने खत्म किया ना, मेरे को इतनी वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही थी, अंदर से इतना जल रहा था, मन घबरा रहा था कि मेरा कि अब क्या होगा, पर खुश बहुत ज्यादा थी कि हाँ मैंने कर लिया। मुझे लगा कि शायद वो 3 आग के भरे हुए गिलास पी गई और उसके बॉडी में इतनी जलन हो गई है। Well done, brother. How do you feel? सर कर रहा था, कर दिया। Well done. लड़कियों ने आज 1,20,000 रुपए कमा लिए। वेल डन, वेल डन। ये आप लोगों का हीरो टास्क था, समझ ही गए होगे क्यों। यू आर अ हीरो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप लोग वापस अपने होटल जाइए एंड वेल डन टुडे। थैंक यू सर। वेल डन गर्ल्स, थैंक यू दीपा, सी यू गाइस। जैसे ही हम अपने विला में घुसे, एंटर करते ही हम सब भौंचक्के रह गए क्योंकि हमारे सामने ब्लैक बॉक्स था। रोडीज 9 एवरीथिंग और नथिंग का ये पहला ब्लैक बॉक्स था और वो ब्लैक बॉक्स देख के सबके होश उड़ गए थे, तोते उड़ गए थे जिसे कहते हैं। हुई 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 रोडीज, आज के वोट आउट में अब तक कोई भी इम्यून नहीं है और इम्यूनिटी के लिए कोई टास्क भी नहीं है। इम्यूनिटी के लिए आपको रोडीज का सपोर्ट यानी उनके वोट बटोरने होंगे। अगर वोट आउट में इम्यूनिटी के लिए 3 से कम या ज्यादा नाम आए तो इम्यूनिटी किसी को नहीं मिलेगी। 3 इम्यूनिटीज और नथिंग। ब्लैक बॉक्स के अंदर मैसेज था कि 3 लोगों को हम बचा सकते हैं, उनको इम्यूनिटी दे सकते हैं। 3 से ज़्यादा या 3 से कम नाम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी।